खाई नहीं हूँ ना, इसलिए जोर से आवाज नहीं आ रहा है। और हम लोग निकल चुके हैं कुर्ग के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। वैसे निकलने का प्लान थोड़ा जल्दी ही था, बट हम लोग लेट हो चुके हैं। और ये है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, जो कि अभी रिसेंटली ही बैंगलोर शिफ्ट हुई है। कुर्ग बैंगलोर से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। वैसे मैं काफ़ी टाइम से बैंगलोर में हूँ, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम कुर्ग आई हूँ। और यहाँ का जो वेदर था, यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली थी, इतना ज़्यादा सुकून था कि बस मन कर रहा था कि यहीं रह जाऊँ। हम लोगों ने होम स्टे लिया था, बट हम लोग होम स्टे पहुँचने ही वाले थे कि उसके पहले ही हम लोग रास्ता भटक चुके थे। और हम लोग पहुँच गए एक सुनसान सी जगह पर, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ रुक करके थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी सारी यहाँ पर तरह तरह के जो गरम मसाले होते हैं ना, उसकी प्लांट थी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी, वैसे यहाँ पर तो कॉमन है, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर काली मिर्च का प्लांट है, इसकी बड़ी सी बेल होती है, देखिए कैसे पेड़ में लगी हुई है, देखिए कैसे छोटी छोटी मोती की तरह लग रही है देखने में। और ये है कॉफ़ी की प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये मैं आपको यहाँ पे इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये अभी कच्ची है। क्या है बेटा? फिर हम लोग पहुंच गए फाइनली अपने होम स्टे पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मतलब इसके चारों साइड कॉफ़ी के प्लांटेशन हो रखे थे, और बीचों बीच ये होम स्टे था। मतलब यहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमें पहुँचते पहुँचते 4 से 5 हो गए थे। हम लोग थोड़ा बड़ा फ्रेश हो करके हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, और हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। वैसे मैं चाय लवर नहीं हूँ, बट सब लोग पी रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी पी लूं। फिर वापस आ गए हम लोग अपने होम स्टे पे, जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें वगैरह की। आई मेरी फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड। और आज हम लोग फिर कहीं नहीं गए, क्योंकि आते आते लेट हो चुके थे और सब लोग थक चुके थे। पूरा खाने में तो लगी हुई है, देखिए। क्या करें, भूख लगा हुआ है जोर से। सिर्फ रोटी खा रही हो तो। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि हम लोग कल कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वैसे आशीष और जो मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड पहले ही कुर्ग आ चुके थे, तो उन लोगों को आइडिया था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। मिलते हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये है day 2। मैं रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पर अभियू की काफ़ी बदमाशियाँ चल रही हैं। अभियू कहाँ जा रहा है? घूमे। चलो अरु कहाँ जा रही हो? ये मैं आपको 360 डिग्री एंगल में दिखाती हूँ होम स्टे। जो जिस होम स्टे पे हम लोग रुके थे, उसका नाम कॉफ़ी नेस्ट कुर्ग था। तो आप लोग अगर कुर्ग जाते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। जोर से आवाज़ नहीं आ रहा है। अच्छा, जा रही हूँ खा करके, फिर जोर जोर से बोलूँगी। बाय अभियू। और ये है मतलब जो होम स्टे में हम लोग रुके थे, यहाँ का वो डाइनिंग एरिया है। इसके साइड में काफ़ी सारे कॉफ़ी के प्लांट थे, मतलब इसका नाम ही था कॉफ़ी नेस्ट कुर्ग, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कॉफ़ी तो होंगे ही होंगे। ये सारे कॉफ़ी के प्लांट है जो आपको दिख रहे हैं। इसमें क्या खाएंगे? देखते क्या है खाने के लिए। चलिए दिखाइए। ये किसका लिए है आशीष? बाबू और प्लस हमारा। और मेरा? तुम अपना खुद से ले लो। तो गप सप मारते हुए हम लोग निकल गए एबी फॉल। तो सबसे पहले हम लोग एबी फॉल जाने वाले थे। हम लोग बैठे रहे, वेट कर रहे हैं बारिश का। हम लोग बारिश तो ऑलमोस्ट रुकी गई है। और हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे कभी बारिश हो रही है, कभी रुक जा रही है, सडनली कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और एबी फॉल्स जाने के लिए जो रास्ता था, मतलब
सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जानी थी, मतलब चढ़ के नहीं सॉरी उतर करके जानी थी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, आप आराम से चल सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर जो हम लोग जा रहे थे दोनों साइड रास्ते का व्यू देखते देखते बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग मिले जो कि मुझे पहचान रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जो जो लोग मुझे पहचाने, जो लोग मुझे पर्सनली आकर के मिले, उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ का व्यू देखिए, बस देखते ही रह जाओ ऐसा मन हो रहा था। आवाज़ नहीं आ रही है पानी की आवाज़ से। कहीं घूमने जाओ, फोटो सेशन ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो आशीष यहाँ पर लग गए अपने काम पे, क्योंकि आशीष बहुत ही अच्छी पिक लेते हैं। और उसके बाद हम लोग रास्ते में आते टाइम एक दुकान में रुके। क्या है बेटा? फ्रॉग। और इस दुकान में इतने सारे एनिमल्स थे, तरह तरह की चीज़ें थी और सब लग रही थी ना कि एकदम रियल है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर एक सांप दिखा जो पेड़ में लगा हुआ था। 1,40,000 फिर हम लोगों ने रास्ते में ही रुक करके लंच किया। उसके बाद हम लोग निकल गए दोबारे एलिफेंट कैंप के लिए। तो यहाँ पर आकर के हमें मालूम चला तो यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम लोग वहाँ नहीं गए। और इधर ही साइड में बहुत सारे शॉप थे तो हम लोग चल गए उसमें देखने के लिए। यहाँ काफ़ी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो कि देख करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने। और ये थी यहाँ की बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद आई और मैंने ले भी ली। फिर हम लोग रिटर्न हो गए और हम लोग फिर रास्ते में रुके थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। हम लोग आ गए अपने होम स्टे में। क्या खा रहे बृष्टि? दाल रोटी। दाल तो दिख नहीं रहा है प्लेट में। ये तो पनीर दिख रहा। अच्छा एक बाइट हमें भी खिला दो। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट बोलो। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है ब्लॉगिंग का, मैंने फर्स्ट टाइम ही किया था। और ये है नेक्स्ट पार्ट का, आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।